दीदी के घर पहुंच गई और ये रही मेरी दीदी जो पिंकम पिंक बन के है, च्युइंगम लग रही है। और मैं हरी पत्ती, मैं क्या लग रही हूँ, मैं लग रही हूँ सरसों का साग, आलू बड़ी लग रही हूँ। मेरी दीदी ने मेरे लिए बनाई है कोथमीर की जूस जो मैं भी पीने वाली हूँ। तो कैसी रही, कैसी है मेरी एक हजारों में एक बहना, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। बंद कर बाबा। हाँ अभी अपन जरा आता आम्हाला भोजन करायचं आहे आणि आम्ही राखी बांधण्याचा कार्यक्रम थोडा वेळ नंतर करू। आता मी जेवते मी नंतर। हाय, अभी चाय का टाइम हो रहा है, हमारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी चाय पिया जा रहे हैं और साथ में सवा सात बजे। अच्छा, तो अभी मैं लड्डू खा रही हूँ, सिद्धि विनायक का है ना। मेरी दीदी और जीजू गए थे मंदिर, मैं आज तक गई नहीं हूँ सिद्धि विनायक। ये थोड़ा सा मुझे इस बात पे क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बट अच्छी बात नहीं है। तुम मतलब मुंबई में पली बड़ी हूँ मैं और मैं सिद्धि विनायक मंदिर नहीं गई हूँ। तो बुरी बात है बट मैं कभी गई ही नहीं, वैसे कभी मौका ही नहीं मिला मुझे जाने का सिद्धि विनायक मंदिर, इसलिए मैं गई नहीं। अभी चाय पिया जा रहा है। क्या गिफ्ट लाई है मेरे लिए, रक्षाबंधन में गिफ्ट भी देते हैं ना। अभी हम यहाँ पर हम दोनों बहने तो अभी पता नहीं चल रहा कि कौन किसको गिफ्ट देगा। हाँ वो तो है, गिफ्ट विफ्ट का झंझट ही नहीं चाहिए। हम लोग बस साल में एक बार एक दूसरे के बर्थडे पे गिफ्ट देते, वो भी बहुत सोच सोच के एक दूसरे से पूछते कि तुझे क्या चाहिए गिफ्ट में करके, तो और एक गिफ्ट का झमेला नहीं चाहिए। वैसे मेरा एक भाई है, जिसको मैंने भाई बनाया है, कॉलेज का एक फ्रेंड है जिसे मतलब जिससे मुझे ना भाई वाली फीलिंग आती है, तो मैंने उसको अपना भाई बना दिया। बेचारा वो आया भी एक साल, जहाँ मैंने उसको प्रॉपर राखी वाखी बांधा, बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद से वो नहीं आया। बस एक ही साल आया। बट नहीं, मैं उसको हर साल विश करती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन करके, और वो भी रिप्लाई करता है। वैसे बहुत अच्छा है, बात करते हैं हम लोग, रोज नहीं कभी कभार बट करते। तो एक भाई तो है मेरा वैसे, पर वो राखी जो कलाई में बांधना होता है, वो आरती उतारो राखी बांधो, उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही खुशी होती है। तो उसके लिए कोई नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं सोचा मेरी बहन है उसको ही बांध दूं। मम्मी के भाई है तो क्या मतलब, ओए आजकल लोगों के भाई है बट कुछ फायदा नहीं है। मतलब भाई के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता बहुत से लोगों का, मतलब भाई बहनों का रिश्ता अच्छा नहीं होता, तो भाई बहन होते हुए भी वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते खुशी से, जो कि बहुत बुरी बात है। चलो खा तो लिया, खा ही रही हूँ, ये पूरा खा सकती हूँ मैं।
फाइनली अब मुहूर्त आने वाला है राखी का। मैंने जो खीर बनाया था वो बन चुका है केक, मतलब खीर जाके केक बन गया है। तो अभी मैं इस वाटी में डालती हूँ। नहीं मैंने तो नहीं डाला। सो मिठाई रेडी है। एक्चुअली मैंने दीदी को बोला था कि राखी खरीदेगी तो मुझे बताना मत कौन सा राखी खरीदा है, और मैं भी तुझे बताऊंगी कि कौन सा राखी खरीदा है, क्योंकि वो एक सरप्राइज रहता है ना कि ये वाला राखी खरीदा है करके। तो अभी तक पता नहीं उसने मेरे लिए कौन सा राखी खरीदा है, तो देखते हैं। मेरा ये वाला राखी ओ मस्त है ना। अच्छा ए हाथी है उतना नहीं, हाथी वाला है। तू मुझे हाथी मान रही है? मुझे मैंने नहीं देखा रहा हाथी है उसमें। ठीक है चलेगा। हाँ ठीक है चलो। तो दिखाते हैं हमारा राखी। ये मेरा राखी नहीं, ये दीदी का दिया हुआ राखी है। और मेरा राखी कहाँ है? ये मेरा राखी है। अभी देखते हैं किसका राखी अगले साल तक टिका रहेगा। जिसका टिका रहेगा वो ज्यादा प्यार करता है। ओके ऐसे हम मान के चलते हैं कि नहीं। तो हो गया हमारा राखी सेलिब्रेट। कितना साल हो गया हमें साथ रहे? 26 साल हो गए। और फर्स्ट टाइम हम ऐसा एक दूसरे को राखी बांध रहे। 26 साल मैं 26 ही हूँ ना, 26 साल से हमारा रिश्ता है और अब हम राखी बांध रहे। पर ठीक है अभी भी और साल है साथ में बिताने के लिए, और भी बहुत साल है तो लेट नहीं हुए हम अभी भी। सो या मुश्किल है? मुश्किल नहीं, अगर तुम चाहो तो क्या ही मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है, सब हो सकता है अगर दिल में प्यार हो और चाहतो तो हर मुश्किल चीज इजी हो जाएगी। मेरा हस्बैंड ने मना किया तो मेरा हस्बैंड क्यों मना करेगा? क्यों मना करेगा मेरा हस्बैंड अगर होगा तो। सो या आज था रक्षाबंधन,
एक ऐसा बंधन, एक ऐसा प्रॉमिस जो भाई अपनी बहन से करता है या बहन अपनी बहन से करता है, कोई भी एक दूसरे से करते कि हम जिंदगी भर आपकी रक्षा करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे हर मुश्किल समय पे, हर दुख में, हर सुख में, हर परेशानियों में, हर कठिनाइयों में हम आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी हिम्मत बनेंगे। ये है जो ये धागा सिग्निफाई करता है। तो आई होप जिसने भी आज के दिन राखी बांधा है सामने वाले को और जिसने भी बंधवाया है अपने कलाई में राखी, वो इस राखी की अहमियत को जाने, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको वो टाइट हुआ ना। हाँ, इस राखी का जो मतलब है उसे वो पूरा करे और अच्छे से रहे, खुश रहे। और मैं अपना वीडियो यही बंद करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो अक्का जी, बाय, टाटा।